हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अज्ञात ग्रामीणों ने भू माफिया के जेसीबी किया आग के हवाले। गोरौल वैशाली से जाहिद वारसी के साथ राजू कुमार की रिपोर्ट। एक बार फिर भू माफियाओं के द्वारा गोरौल स्थित ऐतिहासिक महावीर पोखर में मंगलवार को देर रात्रि मिट्टी भराई शुरू कर दिया गया है, जिसे देख ग्रामीण भड़क गए और जेसीबी में आग लगा दी। इससे पहले भी इस पोखर में मिट्टी भराई के दौरान ट्रैक्टर की ट्रॉली से दबकर एक युवक की मौत हो गई थी। उस समय भी लोगों द्वारा जमकर विरोध किया गया था और भूमाफियाओं को खदेड़ दिया गया था। विवाद का कारण बताया जा रहा है कि उक्त भूमि परिसर में एक बहुत ही प्राचीन तालाब है और एक छोटा सा मंदिर भी मौजूद है। इसी के आसपास की भूमि पर प्राचीन महाशमशान घाट भी है, जहां पर लगभग दर्जनों गांवों के लोग शव को जलाकर दाह संस्कार भी करते हैं। इसी तालाब में सैकड़ों वर्षों से हिंदुओं का महापर्व छठ भी होता आ रहा है। लोगों का कहना है कि यह जमीन निजी है, लेकिन एक जमाने से इस जमीन का उपयोग सार्वजनिक रूप से इस क्षेत्र के लोगों द्वारा किया जा रहा है। इसी बीच उक्त जमीन को गोरौल निवासी मदन मोहन झा के द्वारा बेच दिया गया। यह विवाद वर्षों से चल ही रहा था कि खरीदार ने उक्त तालाब को फिर से मिट्टी डालकर भरवाना शुरू कर दिया, और वो भी देर रात्रि में। रात्रि में मिट्टी भर ही रहा था। ग्रामीणों से छुपाकर मिट्टी भराई की जानकारी मिलते ही सैकड़ों की संख्या में लोग आ धमके और जेसीबी में आग लगा दिया। स्थानीय प्रशासन ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन किया है। अभी नागो भाई कहते हैं ना, हम जैसे देखे दाढ़ी बनवे।